प्रदेश में बढ़ते हुए कोविड के मामलों को देख करके हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज भी हमने अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की और पूरे प्रदेश के सारे हालात का जायज़ा भी लिया तैयारियों की दृष्टि से, और जो मामले बढ़ रहे हैं उसमें किस प्रकार के और कदम उठाने की आवश्यकता है। अभी फिलहाल हमने आज की इस बैठक में एक निर्णय लिया कि मॉनिटर करने के लिए हमको नीचे के स्तर पर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होगी, और उस दृष्टि से हम हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग जिलों में जाकर के अधिकारियों के साथ वहाँ पर मीटिंग करेंगे। वहाँ तैयारी किस प्रकार से चल रही है, किसी चीज़ की कमी है तो सारी चीज़ को लेकर के भी हम उस कमी को पूरा कैसे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो हम अभी जो करने जा रहे हैं उसमें लोगों का सहयोग, लोगों की पार्टिसिपेशन, लोगों की इन्वॉल्वमेंट हम चाह रहे हैं कि इसमें सुनिश्चित की जाए। विशेष तौर से जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि पंचायती राज संस्थाओं में हैं, नगर परिषद में हैं, नगर पंचायत में हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हैं, और ऐसे बहुत सारे संगठन, सामाजिक संगठन जो ऐसे संकट के क्षण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो आगे आए। लोगों को जानकारी की दृष्टि से भी जानकारियाँ उपलब्ध कराएं और लोगों को इसके लिए सहयोग किस प्रकार से हम दे सकते हैं समाज में अपना, उसके लिए भी लोगों को प्रेरित करें। इन तमाम बातों के लिए जेलों में जाकर के हम बात करने के लिए जा रहे हैं। मैं कल सोलन जिला में जा रहा हूँ, उसके पश्चात ऊना जिला, उसके बाद हमीरपुर जिला, और इससे पहले मैं कांगड़ा और मंडी जिला पहले कर चुका हूँ। और हिमाचल प्रदेश के सभी पंचायती राज संस्थाओं के जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके साथ वर्चुअल मीटिंग काफ़ी विस्तार से कर चुका हूँ, ताकि उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनका सहयोग इस संकट में हम सुनिश्चित कर सकें, किसी गरीब आदमी को, किसी ज़रूरतमंद आदमी को उन सब के माध्यम से मदद मिल सके। कोविड के बढ़ते हुए मामलों को लेकर के हमने आज इस बात पर भी विचार किया कि हमारे पास जो बेड कैपेसिटी एट प्रेजेंट जो अवेलेबल है लगभग 2000 के लगभग है, और 2000 से इसको और बढ़ाने की हमको आवश्यकता महसूस हो रही है जिस प्रकार से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में कहाँ कहाँ हम बेड कैपेसिटी को हिमाचल प्रदेश में बढ़ा सकते हैं और कहाँ कोविड वायरस का इम्पैक्ट ज़्यादा आ रहा है, वहाँ उन जिलों में ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, जिसमें कांगड़ा है, ऊना है, हमीरपुर में भी काफ़ी मामले आए हैं, सोलन जिला में काफ़ी मामले हैं, और अब हम देख रहे हैं कि शिमला में भी मामलों में काफ़ी तेज़ी आई है। ऐसी सूरत में इन सभी जगह हम पेशेंट्स को, जो कोविड के पेशेंट एडमिट होंगे उनको बेहतर सुविधा किस प्रकार से हम उपलब्ध करा सकते हैं, उन सारी बातों की तैयारी के लिए हम काम कर रहे हैं।